हेलो दोस्तों, आज हम ट्वेल्थ गणित में एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे हल करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 हमारा है आई बराबर समाकलन एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। सबसे पहले यहाँ देखें, अंश में एक्स की पावर 1 है, नीचे एक्स की पावर 3 है, यानी ये उचित परिमेय फलन है। साथ ही इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आगे गुणनखंड संभव नहीं है, तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन तो लगाएंगे। तो चूँकि दत्त समाकल्य उचित परिमेय फलन है, इसलिए बाई पार्शियल फ्रैक्शन यानी पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ लगाएंगे, लेकिन यहाँ हर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आगे गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो होगा वो होगा एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर ए बटे एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। चूँकि यहाँ इसका आगे गुणनखंड नहीं हो सकेगा, इसलिए इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा वो ये बनेगा। अब इसको हल करना है तो यहाँ एलसीएम लेंगे, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसमें गुना हो जाएगा तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। ये और ये कट जाएगा, लेफ्ट साइड में बचेगा एक्स, इधर बचा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। अब बारी बारी से यहाँ एक बार इसका शून्यक 1 रखेंगे, फिर एक बार x बराबर 0 रखेंगे, एक बार x बराबर और कुछ रख लेंगे जो सुविधा होगा। तो सबसे पहले पुट करें यहाँ x इज इक्वल टू 0, तो 0 रखेंगे तो इधर हो जाएगा 0 बराबर, यहाँ से 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 1 होगा, यानी ये हो जाएगा a प्लस, यहाँ से 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 यानी c बचेगा, और इसमें 0 माइनस 1 यानी हो जाएगा a माइनस c, यानी यहाँ से हो जाएगा a बराबर c, यानी जो a होगा वही c होगा। अब x बराबर रखें, इसका शून्यक 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर, इधर से हो जाएगा a इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस b इंटू बी एक्स प्लस सी है तो b इंटू 1 और प्लस सी और इंटू 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 0 पूरा, यानी यहाँ से बचेगा 2a, इसलिए a बराबर हो जाएगा 1/2। a आ चुका है तो इससे a बराबर c बराबर होगा 1/2। अब पुट करते हैं इसमें x इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 रख लेते हैं, 0 रख लिया है, 1 रख लिया है, माइनस 1 रखते हैं, तो लेफ्ट साइड में है x बराबर, इधर है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और प्लस यहाँ हो जाएगा b इंटू माइनस 1 और प्लस c, और ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 बराबर, ये हो जाएगा 2a और प्लस यहाँ से ये हो जाएगा माइनस बी प्लस सी और इंटू माइनस 2 बराबर, यहाँ से ये हो जाएगा 2a माइनस 2, इसमें गुना हो जाएगा तो प्लस 2b और माइनस 2c। अब यहाँ से a बराबर c बराबर ला चुका है 1/2, यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू 1/2 प्लस b 2b है और माइनस 2 इंटू 1/2, 2 कटेंगे, यहाँ भी 2 कटेंगे, बचा 1 प्लस 2b माइनस 1, माइनस प्लस 1 कट गया 2b, इसलिए b बराबर हो जाएगा माइनस 1/2। अब हमको समाकलन निकालना है, i बराबर समाकलन x बटे x स्क्वायर प्लस 1
इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स बराबर हमको समाकलन निकालना होगा ए बटे एक्स माइनस वन और प्लस बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स बराबर यहाँ से ए के जगह पर रखना है वन बाई टू है तो वन बाई टू एक्स माइनस वन और प्लस बी के जगह पर रखना है माइनस वन बाई टू तो माइनस वन बाई टू एक्स और प्लस सी के जगह पर वन बाई टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी एक्स। समाकलन को अलग अलग करेंगे तो यहाँ से कोफिशियंट हाफ बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हाफ एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये हो जाएगा प्लस यहाँ डी एक्स हाफ बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी एक्स बराबर यहाँ से ये हो जाएगा हाफ समाकलन वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स माइनस यहाँ से हाफ बाहर होगा ये हो जाएगा एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर लिख लेंगे डी एक्स प्लस यहाँ भी हाफ बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी एक्स। यहाँ स्क्वायर नहीं रखें, अब यहाँ से हम लोग समाकलन आसानी से कर सकते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा हमने इस समाकलन को बदल लिया है समाकलन करने लायक, तो इसका समाकलन जानते हैं, इसका समाकलन करेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन और इसका समाकलन करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के जैसा विशिष्ट प्रकार के समाकलनों के जैसे। तो करते हैं इसका समाकलन बराबर यहाँ से हो जाएगा 1 बाई टू ये हो जाएगा लॉग x माइनस वन और माइनस वन बाई टू यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं पुट करें इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर टी तो ये हो जाएगा 2x dx डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt तो यहाँ से x dx बराबर हाफ dt तो ये हो जाएगा हमारा हाफ dt यानी ऊपर में हाफ dt और बटे नीचे हो जाएगा t इसके जगह पर t रखा है और प्लस यहाँ समाकलन हो जाएगा 1 बाई टू बाहर में है और इसको लिखेंगे एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर डी एक्स बराबर यहाँ से वन बाई टू लॉग मॉड एक्स माइनस वन माइनस ये हो जाएगा वन बाई फोर और वन बाई टी का हो जाएगा लॉग टी और टी के जगह पर रख देना है एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस वन बाई टू और ये हो गया वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है तो ये हो जाएगा वन बाई ए यानी वन टेन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस समाकलन कांस्टेंट बराबर वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन माइनस वन बाई फोर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ से हो जाएगा ये प्लस वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी और ये हमारा है आंसर। आठ नंबर है आई बराबर समाकलन एक्स बटे एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। सबसे पहले ये उचित परिमेय फलन है, साथ ही इधर हर में एक्स प्लस टू यानी रैखिक बहुपद है और ये द्विघात बहुपद है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इस तरह से बाई पार्शियल फ्रैक्शन ये होगा x बटे x माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू बराबर a बटे x माइनस वन प्लस b बटे x माइनस वन का स्क्वायर और प्लस c बटे x प्लस टू। अब यहाँ LCM लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू इससे इसमें भाग लगाएंगे तो बचेगा a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू और प्लस इसका भाग इसमें लगेगा तो बचेगा b इंटू एक्स प्लस टू और प्लस c इंटू
ये हो जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर। यहाँ से ये और ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा इधर लेफ्ट साइड में x, इधर बचा a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। अब बारी बारी से इसमें x के जगह पर अपने मर्जी से जो चाहे रख सकते हैं, बता रखा है, लेकिन यहाँ सुविधा होगा एक बार इसका शून्यक रखें, एक बार इसका शून्यक रखें और फिर देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पुट करें इसमें इसका शून्यक x बराबर एक, तो इधर हो जाएगा एक बराबर, ये हो जाएगा एक माइनस एक जीरो, यानी ये पूरा जीरो, और प्लस ये हो जाएगा b इंटू एक प्लस दू, और ये एक माइनस एक जीरो, यानी ये भी हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से हमको ये हो जाएगा थ्री बी, यानी b बराबर आ जाएगा वन बाई थ्री। एक बार रखें इसमें x बराबर इसका शून्यक माइनस टू, सबसे पहले शून्यक रखे ही देखेंगे, x बराबर माइनस टू रखेंगे तो इधर होगा माइनस टू बराबर, यहाँ माइनस टू प्लस टू जीरो, यानी ये पूरा हो जाएगा जीरो, तो इसके जगह पर जीरो हो गया, प्लस ये भी हो जाएगा जीरो, और प्लस ये हो जाएगा c इंटू माइनस टू माइनस एक का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा माइनस तीन का स्क्वायर नो c, इसलिए यहाँ से c बराबर हो जाएगा माइनस दो बटे नो। तो b और c हम ला चुका है, अब रह गया a निकालना। अब a निकालने के लिए कुछ भी रख लें, रखते हैं a बराबर x बराबर यहाँ अबरी माइनस वन, माइनस वन रख के देखते हैं इसमें, तो इधर हो जाएगा माइनस वन बराबर a इंटू माइनस वन माइनस वन, और इंटू माइनस वन प्लस टू, और प्लस ये हो जाएगा b इंटू माइनस वन प्लस टू, और प्लस c इंटू माइनस वन का स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा माइनस टू, और ये हो जाएगा एक, यानी माइनस टू ए, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का b, और ये हो जाएगा टू का स्क्वायर यानी प्लस का फोर सी बराबर, यहाँ से माइनस टू ए, बी के जगह पर हम लाया है वन बाई थ्री यहाँ रखते हैं, और प्लस चार इंटू सी के जगह पर लाया है माइनस दो बटे नौ बराबर, ये हो जाएगा माइनस टू ए, और प्लस वन बाई थ्री, और ये हो जाएगा माइनस आठ बटे नौ। ये दोनों को इधर कर लेंगे तो इधर पहले से माइनस वन है, ये हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री, ये हो जाएगा प्लस का आठ बटे नौ, इधर माइनस था, इधर प्लस हो जाएगा माइनस टू ए बराबर, यहाँ से नौ एल सी एम हो जाएगा, तो माइनस नौ माइनस तीन और प्लस आठ बराबर माइनस टू ए, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस बारह और प्लस आठ माइनस चार बटे नौ बराबर माइनस टू ए, और यहाँ से माइनस माइनस कटेगा तो ये हो जाएगा फोर बटे नौ इंटू टू बराबर ए, और यहाँ से ये कटेगा दो मरते तो ये हो जाएगा ए बराबर दो बटे नौ। तो ए आ गया दो बटे नौ, बी आ गया एक बटे तीन, और सी आ गया माइनस दो बटे नौ। अब यहाँ रखकर समाकलन कर लेंगे, इसका समाकलन बराबर इसका समाकलन यहाँ लगा दें डी एक्स बराबर, यहाँ से ए के जगह पर रखें दो बटे नौ, और बटे नीचे एक्स माइनस वन, डी एक्स समाकलन को अलग कर लेते हैं, और प्लस बी, बी हमारा है एक बटे तीन नीचे एक्स माइनस वन का स्क्वायर डी एक्स, और प्लस सी हमारा है माइनस दो बटे नौ और बटे एक्स प्लस टू और डी एक्स। यहाँ से कोफिशियंट सबका बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा दो बटे नौ एक बटे एक्स माइनस वन डी एक्स, प्लस यहाँ से एक बटे तीन समाकलन एक बटे एक्स माइनस वन का स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ से माइनस दो बटे नौ बाहर होगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू डी एक्स। बस ये करना है फ्रेंड्स, इसमें पूरे एक्सरसाइज में यही करना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर हम इसको समाकलन के लायक बना दिया है। अब जो विधि हम लोग पढ़े हैं समाकलन ज्ञात करने का, लगाएंगे समाकलन आएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा दो बटे नौ, और इसका होगा लॉग एक्स माइनस वन, यहाँ से प्लस एक बटे तीन, इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन की डिग्री माइनस टू डी एक्स, और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस दो बटे नौ लॉग एक्स प्लस टू, और समाकलन कांस्टेंट।
बराबर यहाँ से ये हो जाएगा दो बटे नौ और ये दो बटे नौ, दो बटे नौ कॉमन करते हैं इसमें से, ये बचेगा लॉग एक्स माइनस वन और माइनस लॉग एक्स प्लस टू, और यहाँ से प्लस वन बाई थ्री, यहाँ पावर रूल लगाएंगे इंटीग्रेशन का, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन की डिग्री माइनस टू प्लस वन बटे माइनस टू प्लस वन और प्लस सी, बराबर यहाँ टू बाई नाइन, यहाँ से लॉग एम माइनस लॉग एन है, बता रखा है जब कभी लॉग में जवाब आता है तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी लगाना पड़ता है, तो यहाँ है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये हो जाएगा लॉग एम बटे एन यानी एक्स माइनस वन बटे एक्स प्लस टू, और ये हो जाएगा प्लस वन बाई थ्री, और यहाँ से ही एक में दो जाएगा माइनस एक, तो इसको माइनस कर देगा, और यहाँ से बचेगा एक्स माइनस एक की घात माइनस वन, यानी इसको लिखेंगे नीचे में एक्स माइनस वन और प्लस समाकलन कांस्टेंट, और ये हमारा है रिजल्ट। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को हल किया है। फ्रेंड्स, अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।